सो नमस्कार दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्री के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.9% की क्लियर आपको यहां पर तेजी नज़र आ रही है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर सवाल आ रहा है क्या तेजी आएगा, गिरावट आएगा, अगर ऊपर बढ़ता है तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को समझेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर नोटिस करेंगे अभी एक्साइड इंडस्ट्री जहां पर रुका हुआ है एग्जैक्टली सपोर्ट जोन के पास में, तो संभावना हाई है कि स्टॉक इसी को सपोर्ट लेके बार बार ऊपर गया तो दोबारा यहां पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, राइट। तो अभी के लिए हम देखेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल भी हमारे सामने है जो कि 476 का है, और अगला रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 532 से 533 में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने 560 का है, और उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 585। अगर ये 545 से 544 का लेवल, 554 का लेवल को अगर ब्रेकडाउन करता है तो अगला जो सपोर्ट लेवल हमारे सामने रहेगा 428 का रहेगा। लेकिन अभी की कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम संभावना है कि स्टॉक इसको सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। रीजन अगर देखेंगे स्टॉक यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था, उसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर देखिए रिटेस्ट किया, दोबारा यहाँ पर फिर से आया है अपना सपोर्ट जोन के पास में। तो इस तरीके से मूवमेंट देखने का संभावना बिल्कुल हाई है, लेकिन फिर भी हमें दोनों साइड का व्यू बनाना चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट देता है उसी डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए, राइट। दोस्तों यहाँ पर सभी कंडीशन को एक्सप्लेन कर लिया, स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज में इस वीडियो को एक लाइक करें, आपकी छोटी सी लाइक मुझे इंकरेज करती है और भी अच्छे अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। मन में अगर कोई भी सवाल आ रहा है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।